अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। इससे महिला करीब 35% झुलस गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम पंचशील नगर निवासी सतीश सुखदेव भिमटे बताया गया। सतीश और उसकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ पंचशील नगर में रहते हैं। उनके एक 8 और दूसरा 10 वर्ष का बेटा है। सतीश पेंटिंग का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पिछले 4 महीने से वह खाली था। कोई काम न होने से उसके और भावना के बीच झगड़े होने लगे। इस बीच भावना को देर रात तक किसी से मोबाइल पर बात करती हुई देखता था। उसे शक था कि भावना का किसी से अवैध संबंध है। इस शक में शुक्रवार सुबह 5 बजे वह उठा और गैस पर उसने तेल गरम किया। जब तेल खौलने लगा तो उसने गहरी नींद में सो रही भावना के चेहरे पर फेंक दिया। इससे वह बुरी तरह झुलस गई और चीखने लगी। पड़ोसियों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पता चला कि वह करीब 35% झुलस चुकी है। इस बीच किसी ने पाचपावली पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सतीश को गिरफ्तार कर लिया। सतीश भिमटे या पंचशील नगर इथे राहतात, पोलीस स्टेशन पाचपावली हद्दीमध्ये, आणि त्या त्यांच्या पतीसोबत राहायच्या। त्यांना 2 मुलं आहेत। त्यांचा पती त्यांच्यावर नेहमी संशय घ्यायचा की तुझे बाहेर काही प्रकरण आहे वगैरे वगैरे। आणि त्याच रागातून पत्नी सकाळी रात्री झोपलेली असताना सकाळी 5 वाजता उठून त्यांनी घरी तेल गरम केलं आणि तिच्या चेहऱ्यावर आणि छातीवर टाकलं। ती त्यामध्ये जखमी झाली। मेडिकल हॉस्पिटल इथे तिथे उपचार सुरू आहे त्या महिलेचा। आम्ही त्याच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करून तिचा आरोपी पती सतीश सुखदेव भिमटे याला अटक सुद्धा केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News, नागपूर।